राजेश जो है इसकी इस लड़की की रची हुई है? नहीं, ठीक है, कुछ भी। और मेरी मम्मी ने, उत्तरा देवी ने, मैं बता रही हूँ। अच्छा, मैं बोलूँ पहले? हाँ, बोल। तो मेरी मम्मी ने एक मन्नत मांगी है जो मेरे वेलबींग के लिए है, ताकि मैं, मेरी खुशियाँ वापस आ जाएँ, सब कुछ हो जाए। तो वो चाहती हैं कि वो एक नंगे पैर, जिसे कहते हैं बिना चप्पलों के, कांच के ऊपर चलें, भगवान तक पहुँचें, ताकि मेरी सारी खुशियाँ वापस आ जाएँ। लेकिन मैं उनका बेटा हूँ, तो मैं अपनी माँ को ऐसे दुख में नहीं देख सकता हूँ। तो मैं अपने हाथ कांच पर रखता हूँ और उनके पैर वो मेरे हाथों से चल के जाते हैं। तो ये बेटे का दर्द, और मतलब माँ का दर्द एक बेटा समझ सकता है, लेकिन ये लेकिन तो जो है ना, माँ है वो यही चाहती थी कि ये यही हाथ नीचे रखें और उनको दर्द देना चाहती थी, इनको पता ही नहीं है। ये सब इसका खेल किया हुआ है। ज्यादा हमें पता है बड़ो की उत्तरा देवी फाल्गुनी को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जब तक तुम कुछ भी कुछ प्लान करोगे मैं सुयश को तकलीफ दूंगी। यस, यही वो दिखाने आई है। ये हो सकता है क्योंकि मुझे ये सब पता नहीं है। क्यों नहीं पता है आपको? मुझे नहीं पता ना, मेरी माँ अच्छी है यार, उत्तरा देवी बहुत अच्छी है। हाँ, देवी के बारे में बहुत ही क्रूल औरत है वो। क्रूल और मेरी माँ है, मेरी सास के लिए तुम ऐसे बात नहीं बोल सकती हो, मेरी माँ है वो। है डैश डैश डैश, ठीक है। और वो मतलब मैं मंदिर में होती हूँ, मैं जा रही होती तो वो मुझे टकराती हैं और वो मुझे बोलती हैं कि तुम्हें तो घर पे बैठ जाना चाहिए, तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया। तो मैं उसे बोलती हूँ कि तुम्हारा सच में सामने लेके आऊँगी, और फिर वो मुझे चैलेंज करती है कि तुम 5 बजे आओ मंदिर में और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लेके आती हूँ। तो ये इन्हें ले आती है, लेकर आती है, और मुझे नहीं पता ये मंदिर में है। मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि इसका मानना है कि ये थी कहीं छुपी बैठी थी। मैं तो हाँ, भगवान के और दर्शन फिर करके, उसके बाद मुझे बहुत पेन होता है कि मेरे पति को हाथ में बहुत चोट लगी है, तो मैं भी बहुत दुखी होती हूँ, इसलिए मैं इसलिए मैं भी कांच पे चलती हूँ वो दर्द सहन करने के लिए कि ओ आपने देखा नहीं ना, अभी दिखेगा, अभी अभी देख के जाना ना, मैंने देखा ना आपने देखा, तो आप समझ लीजिए कितना झूठ बोल रही है। सबको दिखेगा टीवी पे लेजर ये बनी, इसका पर्दाफाश हो रहा है धीरे धीरे। पूरी कोशिश ही है, अभी लेजर बन के वो बदला लेगी उत्तरा देवी से, देखना। हाँ देखिए, आप मेरे हाथ देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मेरा खून जा चुका है, बहुत ब्लड निकला है, अभी मेरा ब्लड वापस आएगा। स्किन भी आ गई वापस, स्किन भी वापस आ गई, तो अभी ब्लड आपको देखने को मिलेगा, तो देखते हैं। थैंक यू।